गया। विशाल अग्निहोत्री को बाइज्जत नहीं भागूंगा यहां से, नहीं भागूंगा यहां से, भागूंगा नहीं। मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब, जगदीश खुराना की लाश पड़ी है यहां पर, मार दिया इसे मैंने, और आप ये कुर्सी छोड़ दो, आपको इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। अरे बचा लिया, आज मैंने आपको एक गलत फैसला सुनाने जा रहे थे आप, और ये जगदीश खुराना, इसने इस अदालत में यह साबित कर दिया कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेकसूर हूं मैं, नहीं मैंने एक नहीं चार चार खून किया मैंने, और ये बात ये भी जानता था। अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे, इसे मालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है। इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी, और वो गोली सीने में लगी थी या सर में, जिसका गला दबाकर मैंने मारा था उसके मुंह से खून निकला था या नहीं, उसकी आंखें खुली थी या बंद, ये सब ये जानता था। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहब, कुछ समझ में आ रहा है? 10 करोड़ रुपए लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए। जगदीश खुराना कानून का हिमायती नहीं, कानून के बाजार में अपनी दुकान चलाता था। मैंने कानून से बचने के लिए नहीं, कानून की आंखें खोलने के लिए अपना केस इसके हाथों में दिया था। यह अदालत है, इंसाफ होता है यहाँ पर, सच्चाई और झूठ की परख होती है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बहिष्कार होता है, बहिष्कार, कानून का बहिष्कार। हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं बहिष्कार, और हर अदालत में ऊंचाई पर इनके जैसा एक आदमी बैठा होता है ऐसे ही, और बैठे होते हैं ये सब तमाशबिन लोग, पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं। इनके लिए अदालत की कार्रवाई हो या मदारी का खेल, बस मजा आना चाहिए, मजा क्यों आ रहा है ना, मजा मजा लो मजा। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहेब? अरे अगर तमाशा ही करना तो इतने बड़े तामझाम, इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत है? अरे बंद करो ये सब कुछ, बंद करो ये दुकान, बंद करो, और आप ले चलो मुझे कालकोठी में, लेकिन मैंने जिसे भी मारा है वो सब इसके जैसे थे, ये हरामी जैसे लोग थे वो सब। कुछ समझ में आ रहा है मैजिस्ट्रेट जेवन डोगरा साहेब? कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है आपको?